मैं अपनी गीत गाने की अनुमति चाहूंगा। यहाँ पावन धाम गजेरिया बाबा के स्थान पर ये विराह कराने के जितने भी व्यवस्थापक व सहयोगी सम्मानित भाई लोग हैं, सभी के चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी गीत पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ और मैं बहुत ही चाहूंगा। यहाँ के परम पुजारी दादाजी से जो हम लोग के बीच में ही बैठे हैं और मैं अनुमति चाहूंगा, गुरु बाबा भीखादास घराने के अच्छे अच्छे कलाकार व लेखक बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। नाम ना जानते हुए मैं सभी के चरण छूते हुए अपनी गीत गाने की अनुमति चाहता हूं और इजाजत चाहूंगा। हमारे साथ में पावन धाम अयोध्या से चलकर आए हुए गुरु मेहरा घराने के अच्छे फनकार माननीय गुरु भाई श्री नंदराम भैया जी से अनुमति चाहूंगा। गुरु रघुवीर अखाड़े के अच्छे गायक श्री राम रतन भाई साहब से और मैं इजाजत चाहता हूं मुझे बच्चे को इस क्षेत्र में लाने वाले मित्रों में परम मित्र बड़े भाई समान श्री उत्तम लाल गुप्ता जी से मैं अपनी गीत गाने की अनुमति चाहूंगा। इस विधा को पूरे दुनिया में फैलाने वाले एक एक लोगों के पास नेट के माध्यम से पहुंचाने वाले जिनका इस विधेय की दुनिया में बहुत ही बड़ा सहयोग है माननीय बड़े भैया भास्कर यादव जी से अयोध्या के संचालक, और मैं अनुमति चाहूंगा आप लोग के बीच अभी अभी गाकर बैठे बड़े भाई समान माननीय बड़े भैया श्री सुनील मिश्रा जी के आशीर्वाद लेते हुए एक छोटा भाई अपना गीत पढ़ने का इजाजत चाहता है। मेरे भाइयों, आज पहली बार आप लोग के क्षेत्र में आया, आप लोग का दर्शन मिला और मुझ बच्चे से गाने में कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो कृपा करके अपना ही संतान जानकर क्षमा का दान प्रदान कीजिएगा। एक बार मेरे गजेरिया बाबा की बजरंग बली की सरस्वती मैया की चारों भैया की सामना है न काला वादक माननीय श्री रामदेव दादा जी से आज भी पहली मुलाकात है, उनसे भी इजाजत चाहता हूं। सरस्वती माँ
मुझे पिला दे। मैं करता बंदन पर थने, हे भारत माता जननी, पड़ता हूं तेरे चरण पर थम। ब्रह्मा विष्णु महेश काटे कलेश के बंधन पर थम। Happy.
आशीर्वाद और छोटे भाई को प्रदान हुआ। गुड़ में हिलाल घराने के अच्छे फनकार अच्छे गायक माननीय बड़े भैया श्री नंद राम नादान भाई साहब के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद मुझे प्रदान हुआ। भैया को शत शत नमन कोटि कोटि प्रणाम है। और ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, वैसे हमारे बड़े भैया ने बहुत ही अच्छा प्रसंग आप लोग के बीच रखा, खास करके आज तो मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है और पहली गीत बहुत ही हटकर हमारे भाई साहब ने गाया। और एक छोटी सी मेरी तरफ से वंदना है उन आराध्य के चरण कमलों में, उन भगवती के चरण कमलों में जिनकी दया दृष्टि से सभी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कलाकार को यह अवसर प्रदान होता है, वो विवेक मिलता है। इसलिए कहना है जाए।
के कर कपड़े पहन आया है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमस्कार है। और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, वैसे हमारा भी कोशिश यही रहेगा कि छोटे से ही छोटे समय में हम दोनों लोग गाते रहे ताकि सबको बराबर आनंद मिले। आखिरी लाइन कहना है के बीच में जब जब अमन ने गाया ने
पहुंचे, रात में जब उनका विवाह होने लगा तब हमारे भैया ने गाया क्या क्या हुआ, और बहुत ही अच्छा प्रसंग गाया श्रीमान जी ने, इसीलिए कहना है हम लोगों का यहां पर आगमन हुआ, आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिला, दर्शन मिला, और उस अवसर पर एक गीत कहना है नक चाली तिलक की घड़ी में है रत है आई
भरत बलि जी को भेजा कि जाओ सीता जी श्रृंगार भवन में श्रृंगार कर रही है। वहां बजरंग बलि जी पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मकान की कुछ डिबिया लिए हैं छोटी सी, उसी में पता नहीं क्या है और अपनी मांग के बीच में लगा रही है। तो कहने लगे भेद नहीं जानो माता बतलाओ मुझे जरूर सुनो। और पवन पुत्र बोले मैया से कर लेना पुत्र सुर सुना कहने हो सब वस्त्र कीमती है कैसा दस्त्र सुना जाना।